गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका डॉट आर ओ सी। और मैं हूँ प्रियंका। सुबह का बज रहा है 8, चाय वाय हमने पी लिया है और अभी बना रही हूँ मैं ओट्स। एक्चुअली 2 दिन बाद मैं ये शूट कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। सर्दी जुकाम बहुत तेज हो गया है। आरुषी का फीवर था ना, उसी से मुझे भी एकदम, तो उसका होने के बाद मेरा भी वही कंटिन्यू हो गया है। 2 दिन कल और परसों तो कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब था, तो आज शूट कर रही हूँ। गला वगैरह सब बैठ गया है। सुबह में नवीन ही चाय बनाया था और मैं तो जल्दी उठ भी नहीं पाई। मैं उठी 7 बजे सोकर के, मेरा भी काम करके चली गई। अभी तक मैंने नहाया नहीं, वरना इस टाइम को मेरा नहाना पूजा करना भी हो जाना। नवीन जा रहा है ऑफिस, आज मैं टिफिन भी बना करके कुछ नहीं दे पाऊंगी। अब शी ओट्स खाएगी, ओट्स खाना बहुत पसंद करती है, तो उसको ओट्स बना के दे देंगे। तो सुबह से मैंने बस चाय पिया है, नहाया नहीं है अभी तक। नहाऊंगी उसके बाद मैं वो पूजा करूंगी, दिन में नाश्ता करूंगी। नाश्ता में मैं भी आज ओट्स ही खा लूंगी। खा लो। तो आरुषि देख रही है टीवी और मैंने उसे दे दिया ओट्स खाने के लिए। अभी बेडशीट मैंने नहीं लगाया है, बाद में लगाऊंगी। सॉरी। नवीन रेडी हो रहा है, पता नहीं कहाँ गया। नवीन हो रहा है रेडी ऑफिस जाने के लिए। कहीं भी नजर नहीं गया, क्या बात है। वो अच्छा पानी लाने चले गए थे, पानी लाने गए थे। कुआठो में शायद कोई कुत्ता उत्ता घुस गया था। कुआठो में अच्छा निकाला अभी सब कुछ। चिल्लाओ मत अभी, क्या चीज चाहिए हटाओ। बाहर जाना भी गलत है, है ना? बोलो। बाहर जाना भी गलत है। कपड़ा पहन कर के थाने भी जल्दी से खोल दिया कि आरुषि देखेगी तो बोलेगी बाबा आप कहाँ गए थे। एक्चुअली छुट्टी का दिन में वो घूमती है अपने पापा के साथ इधर उधर। दोपहर को हम भी वही ऐसे ही नॉर्मल खिचड़ी बना लेंगे, तड़का लगा देंगे और साथ में चोखा चटनी ऐसा ही कुछ बना देंगे। ठीक है, मेरा फेस में पता नहीं ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा दाना दाना हो रहा है ना। एलर्जी होता है फीवर ऊपर होने से, है ना? फीवर होने के पहले से ही था, सिर्फ ये वाला था, सिर्फ ये पोर्शन में इतना सारा था, पता नहीं। हाँ, और फिर अभी देख रहे हैं कुछ ज्यादा ही हो गया। कल शाम से ही हम नोटिस कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही हो गया है।
तो खैर नवीन चला जाएगा ऑफिस, उसके बाद हम नहा लेंगे। लेकिन थोड़ा देर से ही नहाएंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बाल मैं धो ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना सर्दी जुकाम हो गया है ना कि बाल तो हम धो ही नहीं पा रहे। मम्मी करिए नीचे पूजा, देखते हैं आज तो बाल नहीं धोएंगे, लेकिन अगर बालों में मैंने तेल भी लगा रखा था, देखते हैं आज अगर तबीयत सही रहता है, कल तक सही रहता है तो कल हम हेड वॉश कर लेंगे अपना, क्योंकि ऑयल चिपचिपा मुझे पसंद नहीं आता। और मैं ना हर रोज़ क्या करती हूँ पता है, मतलब बालों में पानी डाल करके नहाती हूँ, या तो साबुन मतलब शैम्पू लगाऊँ या ना लगाऊँ, मैं पानी ज़रूर डालती हूँ। सर भिगा के मैं नहाती हूँ हर रोज़, लेकिन कल परसों से मैं अपना सर नहीं भिगा पा रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लगी हुई है ना। अगर सर भिगा करके नहाऊँगी ना तो पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। वैसे हमारे रूम में जाने के लिए ये एक और दरवाज़ा भी है जो आपने देखा होगा अंदर से, ये एक्चुअली रूम का बाहर में एक छोटा सा बालकनी है, डेकोरेट मैंने नहीं किया है इसे। ये एक पीछे एक अलमीरा है, ये स्पेस था तो मैंने इसे यहाँ घुसा दिया क्योंकि घर में जगह भी ले रहा था बहुत ज़्यादा। ऊपर में अरुषि का सारा बैग है और वो टॉयज वगैरह है, एक बैग मेरा है इसमें ये वाला जो कि मैंने लिया था दार्जिलिंग जाने से पहले, ज़बरदस्ती मुझे बैग की ज़रूरत नहीं थी, नवीन ज़बरदस्ती से बैग ले लिया। जल्दी से खा लो बेटा। तो मैंने नहा लिया है, नहा करके मैंने पूजा कर लिया, नवीन चला गया ऑफिस, आरुषि खेल रही थी। क्या कर रही हो, तीन रुपए कौन रखो, तीन रुपए कौन लेना बोला था? तो नवीन चला गया ऑफिस और मैं लेकर के बैठी हूँ ब्रेड और बटर, कुछ अब बनाने का मन नहीं कर रहा है, शायद फिर से मुझे फीवर आ रहा है, तो मैं फटाफट से ब्रेड खा करके दवा ले लेती हूँ वरना लंच नहीं बना पाऊँगी। और आज लंच में भी बहुत सिंपल सा कुछ बनाऊँगी, मतलब खिचड़ी ही बनाऊँगी, वो भी एकदम सिंपल, मतलब ऐसे प्रेशर कुकर में दाल चावल चढ़ा दूँगी और ऊपर से जीरा और सूखी मिर्च का तड़का लगा दूँगी, बस यही होगा हमारा। मेरा पूरा इतना ज़्यादा सर्दी हो रखा है ना कि ठंड लगी है तो एकदम मतलब बात करने में भी तकलीफ़ हो रहा है। तो खाना जो है वो तो मैंने बना लिया है, फीवर अभी भी है, मतलब कुछ भी करने में अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सिंपल सा एक खिचड़ी बना दिया, साथ में टमाटर का भरता, आलू का भुजिया बना दिया है और पापड़ छान लिया है। यही होगा हमारा आज का लंच। आरुषि अभी भी आई नहीं है, आएगी, देखते हैं उससे फ़ोन करते हैं मौसी को कि भेज देने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे सैटरडे है ना आज, उसका ट्यूशन वगैरह कुछ है नहीं तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसे खेलने के लिए। मैं फटाफट से खाना खा करके दवा ले लूँगी, दवा लेने के 4-5 घंटे तक सही रह रहा है, उसके बाद फिर से वही हाल हो जा रहा है। जैसे मैंने सुबह नाश्ता करके दवा ले लिया था, उसके बाद भी मतलब जैसे 4-5 घंटे हो गए ना वैसे ही मुझे फीवर वगैरह आ गई।